बात करते हैं SBI के अंदर, यानी SBI के अंदर अगर आपका अकाउंट है तो आपको पता होगा कि SBI के अंदर सेविंग अकाउंट का दो चीज़ आता है, एक रहता है पासबुक और एक रहता है चेकबुक। यानी अगर आप चाहते हो तो आप SBI के अंदर से अकाउंट खोल के आपका आप उनका पासबुक ले सकते हैं, जहाँ पे आपका अकाउंट नंबर, CIF नंबर, कस्टमर आईडी सब कुछ प्रिंटेड रहता है, इंक्लूडिंग एड्रेस एंड नेम, डेट ऑफ बर्थ। लेकिन अगर आप चाहते हो तो आप चेकबुक भी ले सकते हो। और जब भी आप SBI के अंदर कोई भी सेविंग अकाउंट खोलते हो तो आपको पर साल एक एक कर कर चेकबुक रहेगा। लेकिन एक चीज़ ध्यान रखना, जब भी आप चाहते हो तब चेकबुक का ऑर्डर कर सकते हो, लेकिन जब भी आप न्यू अकाउंट खोलते हो तो न्यू अकाउंट के टाइम आपको चेकबुक फ्री ऑफ कॉस्ट दिया जाता है। उनके बाद जब भी आप चाहते हो आप उतना चेकबुक ले सकते हो। अगर आप चाहते हो 1, 10, 20, 30 जितना चाहो चेकबुक आप ले सकते हो पर साल या फिर महीना जितना चाहो, लेकिन उनका मिनिमम चार्जेस आपको भरना होगा। वो पार चेक का लिप्स के हिसाब से आपको चार्जेस भरना होता है, लेकिन पहला जो चेकबुक रहता है वो फ्री ऑफ कॉस्ट रहता है, जो 10 पेज का रहता है। यानी 10 पेज का चेक जो पहला चेक रहेगा वो आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगा। उनके बाद जितना चाहो आप उतना ले सकते हो, लेकिन पार चेकबुक के लिए, पार चेक का लिप के लिए आपको पेमेंट करना होगा, चार्जेस भरना होगा। तो मेरा इस वीडियो का बनाने का मेन मकसद ये है कि SBI के अंदर जो भी अकाउंट आपका रहेगा उस अकाउंट का चेकबुक आप कैसे अप्लाई कर सकते हो, जो फ्री ऑफ कॉस्ट रहते हैं, जो 10 पेज का चेकबुक रहते हैं, वो अप्लाई करने के लिए प्रोसेस क्या है, कैसे आपको अप्लाई करना है, वो सब कुछ इस वीडियो पे बताऊंगा। इसलिए अगर आपको नहीं, अगर आपको पता करना है वीडियो बना सके, किसी भी जगह पर स्किप ना करके सर्वेंस रोनल्ड रियल्टी। अगर आप चाहते हो आपका SBI का चेकबुक अप्लाई करने के लिए तो सिंपली आपको प्ले स्टोर पर जाना होगा। प्ले स्टोर पर जाने के बाद आपको लिखना होगा SBI YONO। तो SBI YONO जब भी आप लिख कर सर्च करते हो सर्च बटन पर जाकर, SBI YONO जब भी आप लिख कर सर्च करते हो, कुछ इस तरह से एक पेज आएगा, सबसे पहला जाएगा देख सकते हो SBI YONO बैंकिंग एंड लाइफ स्टाइल। इस ऐप को आपको डाउनलोड करना है, मेरा वाले डाउनलोड है, डाउनलोड करके आपको साइनअप कर लेना है। एक बार ध्यान रखना, इस ऐप को साइनअप करने के टाइम कुछ चीज़ें आपसे लिया जाएगा, जहाँ पे SBI का जो भी ATM कार्ड का डिटेल्स लिया जाएगा, या फिर नेट बैंकिंग का डिटेल्स कुछ भी आपका लिया जा सकते, नहीं तो आप ब्रांच से भी अप्रूवल से आप खोल सकते। अब बात करते हैं चेकबुक अप्लाई का प्रोसेस। तो चेकबुक अप्लाई करने के लिए जो SBI YONO ऐप, इस ऐप को लॉगिन करना है। चलिए मैं लॉगिन कर लेता हूँ बाद में, ठीक है। जो भी पिन है मैं पिन डाल दिया, डालने के बाद मेरा जो अकाउंट है लॉगिन हो चुका है। लॉगिन होने के बाद कुछ इस तरह से रहेगा, और इनका नीचे की तरफ अगर आप देखते हैं तो नीचे की तरफ कुछ ऑप्शन मिल जाएगा, इस जगह पे देख सकते हैं, ऐसा बहुत कुछ ऑप्शन है। आपको ज़्यादा कुछ देखना नहीं है, सिंपल से सर्विस रिक्वेस्ट इस जगह पर आपको करना है क्लिक, ओके। तो सर्विस रिक्वेस्ट पर क्लिक करने के बाद कुछ इस तरह से पेज आएगा, और इस जगह पर आपको ज़्यादा कुछ देखना नहीं है। आपका जो ऑप्शन रहेगा सेटिंग पेंडिंग रिक्वेस्ट प्रोफाइल व्यू मोड, तो आपको सिंपली ज़्यादा कुछ देखना नहीं है। जब व्यू मोड के जगह पर आपको करना है क्लिक, तो व्यू मोड पर जब भी आप क्लिक करते हो कुछ इस तरह से ऑप्शन मिल जाएगा, और इसी जगह पर फिर से कुछ ऑप्शन मिल जाएगा, जहाँ पर प्रोफाइल सेटिंग पेंडिंग रिक्वेस्ट लोन्स अकाउंट टैक्स चेक पेंशन डोरस्टेप बैंकिंग गवर्नमेंट स्कीम्स ऑप्शन आएगा। तो आपको ज़्यादा कुछ देखना नहीं है, आँख बंद कर कर आपको क्लिक करना है ये चेक, इस जगह पे अगर आपको चेकबुक लेना है तो इस जगह पे जब भी आप क्लिक करते हो, क्लिक करने के बाद कुछ इस तरह से ऑप्शन मिल जाएगा, जहाँ पे चेक का फैसिलिटी शो होगा, जहाँ पर रिक्वेस्ट चेकबुक, इंक्वायरी स्टॉप चेक, रिवोक चेक, चेक डिपॉजिट्स, पॉजिटिव पे सिस्टम और चेकबुक डिस्पैच स्टेटस, ये सब कुछ शो हो जाएगा। तो आपको क्योंकि एक नया चेकबुक अप्लाई करना है, इसलिए आपको ज़्यादा कुछ देखना नहीं है, सिंपल सा रिक्वेस्ट चेकबुक के अंदर करना है क्लिक। जब भी आप क्लिक करते हो, क्लिक करने के बाद कुछ इस तरह से पेज आएगा, जहाँ पे कुछ इस तरह से ऑप्शन मिल जाएगा, और सबसे ऊपर आएगा सिलेक्ट अकाउंट, मतलब इस जगह पे आपको क्लिक करना है, इस जगह पे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपका जो भी अकाउंट है, अकाउंट को सिलेक्ट करना है, देख सकते हैं मैंने क्लिक कर दिया, मेरा अकाउंट ऑलरेडी शो हो चुका है। अकाउंट सिलेक्ट कर लिया, करने के बाद इस जगह पे कितना पेज का चेकबुक आपको लेना है। अगर आप फ्री ऑफ कॉस्ट का ले रहे हो तो फ्री ऑफ कॉस्ट ले सकते हो, अगर आप चाहते हो तो नहीं ज़्यादा चाहिए तो ज़्यादा भी आप ले सकते हो। इस जगह पर सिंपली क्लिक करने, क्लिक करने के बाद इस तरह से कुछ इस तरह ऑप्शन मिल जाएगा, जहाँ पे आपका चेकबुक का रिक्वायरमेंट शो हो जाएगा, मतलब कितना पेज का आपको चाहिए, 10, 25, 50, 100। अगर आप 10 पेज का लेते हो पहले बार के लिए तो 10 पेज के लिए फ्री ऑफ कॉस्ट है, कोई भी चार्जेस आपको देना नहीं है। लेकिन अगर आप 25 लेते हो तो आपको चार्जेस भरना होगा, 50 लेते हो जो भी चार्जेस भरना होगा, 100 के लेते हो जो भी चार्जेस भरना होगा। टोटल मिलाकर बात
एक ही है कि अगर आप 10 पेज तक लेते हो तो फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगा, 10 पेज से जितना चाहो आप ले सकते हो, लेकिन चार्जेस आपको भरना होगा उस हिसाब से जितना चेकबुक का पेज रहेगा। अच्छा, तो क्योंकि मैं फ्री ऑफ कॉस्ट होगा इसलिए मैं 10 सेट कर लिया। क्लिक करने के बाद नीचे की तरफ दो ऑप्शन है, आई एग्री आई एम अवार जो ऑप्शन है, जहाँ पे दोनों पे आपको टिक करना है। तो टिक करने के बाद कुछ इस तरह से पेज आएगा, नीचे की तरफ दो ऑप्शन आएगा बैक और एक नेक्स्ट। तो आपको नेक्स्ट पे करना है क्लिक इस जगह पे, क्योंकि अगर आप बैक करते हो तो बैक हो जाएगा। तो नेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद कुछ इस तरह से फिर से ऑप्शन मिल जाएगा और इसी जगह पे क्लिक कर आपको जो भी डिलीवरी एड्रेस है वो देना होगा, मतलब कौन से एड्रेस पे आपका चेक डिलीवर किया जाएगा। इस जगह पे क्लिक करके आपको एड्रेस देना होगा। चलिए मेरा तो एड्रेस है, मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ। मैं अगर जब भी क्लिक कर दिया, क्लिक करने के बाद देख सकते हैं इस जगह पे कुछ ऑप्शन मिल गया। इस जगह पे सबसे पहला है रजिस्टर्ड एड्रेस, नेक्स्ट लास्ट डिस्प्लेड एड्रेस और नेक्स्ट न्यू एड्रेस, यानी जो भी रजिस्टर्ड है आपके बैंक के साथ उसी एड्रेस पे अगर आप चाहते हो तो आप इस जगह पे क्लिक करिए। अगर आप चाहते हो कि लास्ट जिस एड्रेस पे आपका कोई भी सामान है डिस्पैच हुआ है उसी एड्रेस पे, तो इस जगह पे क्लिक कर सकते हैं। अगर आप चाहते हो तो न्यू एड्रेस पे, यानी नया एक एड्रेस डालना, तो भी इस जगह पे क्लिक कर आप नया एड्रेस डाल सकते हो। तो मेरा जो भी रजिस्टर्ड एड्रेस है वही मेरा, इसलिए मैं रजिस्टर पे क्लिक कर दिया। क्लिक करने के बाद मेरा पूरा एड्रेस इस जगह पे शो हो चुका है। आप ज़्यादा कुछ देखना नहीं है, सिंपल से नीचे नेक्स्ट का ऑप्शन इस जगह पे करना है क्लिक। नीचे जब भी आप क्लिक करते हो, क्लिक करने के बाद कुछ इस तरह से ऑप्शन मिल जाएगा जहाँ पे अकाउंट टाइप्स क्या है, यानी कौन सा अकाउंट का टाइप से सेविंग्स करेंट कौन सा है, अकाउंट नंबर, ब्रांच नंबर नेम, यानी कौन सा ब्रांच पर आपका अकाउंट है, कितना पेज का चेकबुक आप लेना चाहते हो, और आपने सेलेक्ट किया है आपका फुल एड्रेस शो होगा और नीचे के ऑप्शन में आएगा कंफर्म। तो कंफर्म पे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद थोड़ा वेट करना होगा, फिर लोडिंग होगा। लोडिंग होने के बाद कुछ इस तरह से एक ऑप्शन मिल जाएगा जहाँ पे एक आपका रेफरेंस नंबर शो होगा। देख सकते हैं एक रेफरेंस नंबर ऑलरेडी मेरा आ चुका है। इसी रेफरेंस नंबर देखकर आप बाद में भी आपका चेकबुक स्टेटस आप ट्रैक कर सकते हो, यानी आपका चेकबुक कहाँ तक आया है, कितना देर आया है, ये सब कुछ शो हो जाएगा। आपको इसके बाद ज़्यादा कुछ देखना नहीं है, सिंपल से जो ओके ओके पे क्लिक करना है, बस बैक हो जाएगा। अब बैक होने के बाद नीचे एक और ऑप्शन जो मिल जाएगा सर्विस रिक्वेस्ट, इस जगह पे क्लिक कर आपका चेकबुक का स्टेटस आप चेक कर सकते हो। सर्विस पे क्लिक कर दिया। क्लिक करने के बाद व्यू मोड पे क्लिक कर देते हैं। क्लिक करने के बाद फिर से ऑप्शन आना होगा चेकबुक पे, चेकबुक पे क्लिक करना होगा। चेकबुक पे क्लिक करने के बाद कुछ इस तरह से ऑप्शन मिल जाएगा जहाँ पे देख सकते हैं इंक्वायरी स्टॉप चेक बॉक्स कुछ ऑप्शन रहेगा और चेक डिपॉजिट ऑप्शन मिल जाएगा। चेकबुक डिस्प्ले स्टेटस इस जगह पे शो हो जाएगा। तो आपको चेकबुक डिस्प्ले स्टेटस पे क्लिक करना होगा। क्लिक करने के बाद देख सकते लास्ट चेकबुक डिस्प्ले स्टेटस का जो भी पीरियड वो सिलेक्ट करना होगा, जब लास्ट 15 डेज कस्टम डेट सिलेक्ट करना होगा, तो इसे सब सिलेक्ट कर दीजिए और नेक्स्ट नीचे कंफर्म पे क्लिक कर दीजिए। देख सकते पूरा डिटेल शो हो जाएगा, क्योंकि मैं अभी अभी रिक्वेस्ट दिया इसलिए अभी शो होगा नहीं। तो ये सब वीडियो अच्छा।